हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स अगर बताएंगे, ऐसे कुछ हम आपको चीजें बताएंगे जिससे आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर के पास। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिसी बेचने के लिए आपको कुछ बातें फॉलो करना होगा। फॉलो करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जिसे आपके कस्टमर के दिमाग पर असर करनी चाहिए। अब अगर आप पॉलिसी के बारे में किसी को समझा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आप उन्हें किस तरह समझा रहे हैं। जो बात आप बोल रहे हैं क्या उनके उनके जो फ्यूचर में जो प्लानिंग है, जो एम है, उसमें असर पड़ता है क्या? मान लीजिए उनका एक बेटी है, आप जिस तरह पॉलिसी समझा रहे हैं उनको इस तरह पॉलिसी के बारे में समझाना है कि जिससे उनका जो पॉलिसी मैच्योर होगा, जब वो पैसा उन्हें मिलेगा तो वो पैसा उन्हें कब मिलेगा, यानी उनका जो बेटी है उनका बेटी के शादी के वक्त मिलेगा। उस पॉलिसी को मान लीजिए ये है पॉलिसी, ये आपका उनके जो आप बीमा पॉलिसी बेच रही है बीमा पॉलिसी और ये है उनका बेटी की शादी, तो इन दोनों को मैच करवानी चाहिए जिससे उनको लगे कि हाँ, ये अगर अकाउंट खोलता है, ये अगर पॉलिसी खरीदता है तो इस पॉलिसी से खरीदने के बाद इस पॉलिसी से जो भी पैसा निकलेगा उनका बेटी का शादी आराम से हो जाएगा, धूमधाम से उनका बेटी का शादी हो जाएगा। तो इस तरह उनके जो एम है, उनका जो लक्ष्य है, उसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कनेक्ट करना है। हमें अपने प्रोडक्ट को उनके जो एम है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है, उनके साथ कनेक्ट करना है। अगर उनका टारगेट के साथ हमारा प्रोडक्ट कनेक्ट हो जाता है तो पॉलिसी लेने की, खरीदने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब उनका टारगेट है ही कि उनका बेटी का शादी देना है। मान लीजिए उनका बेटी 2 साल का है, 3 साल का, या फिर अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनका टारगेट है कि उनका बेटी का शादी देना है 18 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो ऐसे वक्त अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को उनके पास लेके जाते हैं और उनका जो टारगेट है उसी टारगेट पर आप फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो आपका प्रोडक्ट बिकने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो हमें उनका टारगेट को पकड़ना है कि उनका टारगेट क्या है, उनका सपना क्या है, उनके सपने के साथ हमारे प्रोडक्ट को जोड़ना है। उनका जो सपना है उस सपना के साथ हमारे जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इसे उनके प्रोडक्ट के साथ जोड़ना है जिससे उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा है या फिर एक अकाउंट खोला है। किसी कोई भी LIC का जो पॉलिसी खरीदा है उनको यह नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है या फिर उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। कई सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं, उनका इस तरह की सोच आता है, उन्हें इस तरह सोचना लगता है कि इतना साल प्रीमियम भरना पड़ेगा, कौन भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा, इस तरह। लेकिन अगर उनका कुछ टारगेट हो तो वे टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे वक्त अगर पॉलिसी भी हो, पैसा भी जमा करने का भी कोई भी बात हो, तो वो अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा जमा दे सकते हैं, पैसा हर आपका प्रीमियम जमा कर सकता है, रिन्यूअल दे सकता है। तो ऐसे ही हमें उनका जो टारगेट है उसको पकड़ना है। हमें यह देखना पड़ेगा कि उनका टारगेट क्या है, हमें यह एनालिसिस करना पड़ेगा, उनके नीड को एनालिसिस करना पड़ेगा, यह हमें जानना पड़ेगा कि उनका नीड क्या है और वे कौन से टारगेट पर काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर में क्या टारगेट है, कौन सी टारगेट पर उन्हें लगे हुए हैं, किस काम पर टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की बातें जानकर हम अपने प्रोडक्ट को उनके टारगेट के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे जब वे जिस टारगेट को अचीव करने के लिए भाग रहे हैं वहीं पर हमारे प्रोडक्ट को भी लगा के रख देंगे, तो उनके टारगेट के साथ ही साथ वे हमारे प्रोडक्ट यानी अगले 20 साल तक हमारे प्रोडक्ट पर लगे रहेंगे। जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उनका सब्सक्रिप्शन जो खरीदे हैं, जो रिन्यूअल प्रीमियम उन्हें भरना है हर साल में, उसी साल प्रीमियम में हुआ अपने टारगेट को कंप्लीट करने के साथ साथ हमारे प्रीमियम को भी देकर जाएंगे, भुगतान करते रहेंगे। तो इस तरह हमें उनके नीड को एनालिसिस करना है, उनके जो टारगेट है उसे फोकस करना है, उनके टारगेट को समझना है, उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट को वहां पर ले जाके रखेंगे। और ऐसे जो क्लाइंट्स कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को इस तरह खरीदेंगे जिससे उन्हें यह नहीं लगेगा कि उन्होंने कोई एक बोझ लिया है या फिर कोई ऐसे पॉलिसी खरीदा है, और या फिर उन्हें इस तरह नहीं लगेगा कि उन्हें अब पैसा भरना है या फिर उन्हें हर साल इतना पैसा प्रीमियम उन्हें भरकर जाना है।
क्योंकि अब उनका टारगेट है, उनका जब टारगेट ही जब ऐसा है तो उन्हें ऐसा कुछ सोचने की टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, वीडियो का लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने से बाद आप ये जरूर देखें कि जो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।